अब देखो, कल मैं ऐसे ही आँख खोल के सो रहा था, तभी अचानक से मेरी नींद खुलती है और फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा इंस्टा पर रील देख लेते हैं। लेकिन मैंने जैसे ही इंस्टा खोला ना, वैसे मैंने देखा कि एक बंदे ने मेरे को इंस्टा पर टैग किया है कि फ्री फायर इंडिया जो है ना प्ले स्टोर से हट गया है। और एक टाइम को तुम लोग मानोगे नहीं कि मेरे को भरोसा ही नहीं हुआ। मेरे को लगा क्या पता ऐसे मजाक कर रहा होगा, कोई बच्चा होगा ऐसे नॉर्मल मेरा मजे वजे ले रहा होगा। लेकिन मैंने जब अपनी आंखों से खुद देखा तो मेरे को लगा कि हाँ, ये बच्चे की बात कहीं ना कहीं सही है। मैंने प्ले स्टोर जैसे खोला, वहाँ पर देखा तो फ्री फायर इंडिया वहाँ पर नहीं था, मतलब गायब हो गया था। और हाँ, अब हरदम की तरह इस बार भी कुछ चमन चूती आएंगे ये बोलने के लिए कि फ्री फायर इंडिया यहाँ से डाउनलोड करो, वहाँ से डाउनलोड करो, फलाना ढिमकाना लगा लसन सब बोलेंगे। और कुछ बंदे तुमको ऐसे ही मिलेंगे जो बताएंगे कि भैया तुम यहाँ से प्री रजिस्टर कर लो, यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी आएंगे, तुमको स्वयं में मिठाई का डब्बा देके जाएंगे। तो तुम उनकी बात मत आना, और जो भी तुमको ऐसी वीडियो बनाते दिखे ना, तो उन भरोसे वालों को लपक के पेलो, क्योंकि अब किसी को नहीं पता कि क्या हुआ कैसे हुआ, चाहे वो चार्टनर प्रोग्राम वाला हो या फिर कोई भी हो। अगर एक टाइम को गेम प्ले स्टोर से हट भी गया तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, तो ये गेम जब आए ही नहीं तो मतलब क्या है उसको वहाँ पे रखने से प्री रजिस्टर करके हम अचार डालेंगे, जब पता ही नहीं कि गेम कब आएगा कब नहीं आएगा। क्योंकि तुम लोग को पता ही, गेम अनबैन होना इतना आसान नहीं होता कि गेम से एक रेड डैमेज हटा दिया, एज लिमिट लेके आ गए तो गेम अनबैन हो गया। और भी गेम के अंदर बहुत सारी चीजें होती है जिनको सही करना पड़ता है, जिसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो जिनका काम नहीं होता दाल भात का कोर नहीं कि बस लिया और लपक से अंदर। बाकी तो तुमको पता ही है कि गन्ना वालों का साबुन कितना कमजोर है, बस इनसे नील चट्टी पीली चट्टी ये सब लाने के लिए बोल दो, ये बिल्कुल बराबर परफेक्ट टाइम पे आता है। साला एक टाइम को तो रेयर आइटम भी बोलते होंगे। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। और अब बात करते हैं ई स्पोर्ट्स प्लेयर की। अब कुछ ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स ऐसे भी होंगे जो बेचारा ये चीज देखकर बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गए होंगे, तो मैं बस उनके लिए एक ही चीज बोलूंगा कि जो भी 10th 11th 12th वाले स्टूडेंट हैं, जो अभी के टाइम पर ई स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो भी गेम को बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, तो मैं उनको एक ही चीज बोलूंगा कि अभी जब तक गेम नहीं आ रहा, जब तक तुम लोग थोड़ा अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे दो, क्योंकि अभी गेम आने में बहुत समय लग सकता है, लेकिन तुम्हारी एग्जाम को ज्यादा समय नहीं बचा है। ये चीज मेरे को ही पता है, तुमको ही पता है। तुम खुद सोचो ना, अभी के टाइम पे कोई मतलब नहीं है गेम खेलने से, अगर कुछ मिल ही नहीं रहा है तो। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि गेम मतलब खेलो ही नहीं, पूरी तरीके से बंद कर दो, क्विट कर दो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। खेलो, ग्राइंडिंग करते, लेकिन इतना टाइम मत दो गेम को कि तुम फिर उतना टाइम अपनी स्टडी को ना दे पाओ, क्योंकि स्टडी भी जरूरी है। वैसे भी अभी कोई गेम के आते पते है नहीं। चलो आज की वीडियो में इतना जाते जाते तुम लोग मतलब एक काम करना, जाके मैं तुम इंस्टाग्राम पर फॉलो करना जिसको करना होगा, और जो नहीं करेगा उसकी बंदे को मैं भगा के ले जाऊंगा। तो देख लो तुमको क्या करना है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।